नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। भारतीय राजनीति में परिवारवाद का खेल बड़ा दिलचस्प है, जैसे कि कोई पुरानी फिल्म जिसमें हमेशा वही पुराने चेहरे नजर आते हैं। कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसमें 5 दशकों से एक ही परिवार की कांग्रेस गोद में खेल रही है। बाकी क्षेत्रीय दल भी अपने परिवारों के साथ पूरी बेशर्मी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और भाजपा लगता है कि वो भी अब परिवारवाद की लहर में बहने लगी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह रिश्तेदारों को टिकट बांटने की होड़ मची हुई है। लेकिन इस दिवाली देश की राजनीति में एक फ्रेश चेहरे की एंट्री हो गई है। जी हाँ, जो कांग्रेस को तो रिफ्रेश कर ही सकती है, बल्कि देश की राजनीति को एक और बड़ा चेहरा भी दे सकता है। ये एंट्री कौन है, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल दीपावली के दिन राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें उनके भांजे रेहान राजीव वाड्रा का भी जलवा था। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ये संकेत है कि पार्टी ने उन्हें अगला राजकुमार बनाने का मन बना लिया है। राहुल ने भांजे को मजदूरों के साथ पेंटिंग करते हुए दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि उनके दिल में मेहनत करने वालों का सम्मान है। वाह, क्या बात है, मानो राजनीति में यही एक शर्त रह गई हो, राजकुमार आए थोड़ा गरीबों के बीच घूम ले और फिर सब कुछ ठीक। रेहान की मां प्रियंका गांधी की भी इमेज उस वक्त काफी ज्यादा अच्छी दिखाई जा रही है। इंदिरा गांधी के लुक में उन्हें पेश किया जा रहा है, जैसे कोई फिल्म का दृश्य हो। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में उनकी उपस्थिति कब तक टिकेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उनके बेटे को भी उनकी तरह इंतजार करना पड़े, शायद नहीं। गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी अब तक कुछ खास नहीं कर पाई। राहुल और प्रियंका के दौर में पार्टी का पतन ही देखने को मिला है। अगर कांग्रेस को गांधी परिवार के चंगुल से मुक्त किया जाता तो कब तक शायद राहुल गांधी को किनारे कर दिया गया होता। लेकिन परिवारवाद का ये खेल चलता रहेगा और अब शायद रेहान वाड्रा को तैयार करने की फिक्र भी बढ़ गई है, ताकि अगली पीढ़ी के लिए ये पुरानी परंपरा कायम रखी जा सके। राजकुमारों का ये सिलसिला बिल्कुल रुके ना, यही तो असली खेल है राजनीति का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर रेहान राजनीति में आए तो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर ही चलेंगे। हो ये भी सकता है कि सदियों बाद कांग्रेस को रेहान के रूप में एक ऐसा नेता मिले जो कांग्रेस की दशा और दिशा बदल दे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।